21 days shutdown, 21 days lockdown, and I got two type of people between this, right? तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं यही दो तरह के लोगों के बारे में जो काफी ज्यादा मतलब मार्केट में चिल मार रहे हैं, मतलब इस टाइप के लोग हैं। सो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दूसरे नंबर की। दूसरे नंबर के लोग वो है गाइस जो मार्केट में फालतू का हंगामा बनाए पड़े हैं कि मार्केट में प्रॉब्लम आ रही है, मार्केट में इकोनॉमी डाउन हो रहा है, मार्केट में ये हो रहा है, मार्केट में वो हो रहा है, हम थोड़े दिन बाद कैसे खाएंगे कैसे पिएंगे, मतलब कि सारा बोझ बेचारों के ऊपर आ गया है। जबकि वो बेचारे आराम कर रहे हैं घर में, कोई भी टेंशन नहीं है, चिल मार रहे हैं, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, राइट। ये ऐसे लोग हैं। और इनका जो दूसरा काम ये है कि ये बहुत अच्छी अच्छी बातें व्हाट्सएप पे लोगों को शेयर कर रहे हैं, फ्रेंड्स रिलेटिव को, और वो लोग उस चीज़ को अप्लाई कर रहे हैं एंड वो सोच रहे हैं कि वो कोरोना वायरस से बच जाएंगे, एक ही दिन काट लेंगे चिल मार के नेटफ्लिक्स में टाइम वेस्ट करके। ये लोग हैं दूसरे कैटेगरी। पहले कैटेगरी के लोगों को बताता हूँ, देखो ये वो लोग हैं जो कुछ नया सीख रहे हैं, कुछ नया ट्राई कर रहे हैं। गाइस हमें 21 डेज के लिए मतलब जेल में नहीं रखा गया है कि हमें कुछ भी ना दिया जाएगा या हमें हम सब चीज से दूर है। जो चीजें हमें चाहिए वो हमारे तक पहुंच रही है, तो हमें नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाना है। फर्स्ट कैटेगरी में वही लोग हैं जो पॉजिटिव हैं, जो कुछ नया सीख रहे हैं, कुछ नया अप्लाई कर रहे हैं, कुछ नया बिजनेस करने का सोच रहे हैं, किसी लोगों को सिखा रहे हैं, राइट, किसी नई चीज को टेस्ट कर रहे हैं। तो यही अपने पास टाइम है। अगर देखो, अगर आप अपना कोई ड्रीम अचीव करना चाहते हो, अपना कोई गोल को कंप्लीट करना चाहते हो, तो यही 21 दिन बहुत बड़ा चेंज ला सकते हो, राइट। या तो आप 21 दिन रो लो कि आप घर में हो, चिल मार रहे हो, राइट, 21 दिन आप बर्बाद कर रहे हो, महामारी आ रही है, भूखमरी आ रही, जो भी आप ये सोच लो, या ये सोचो कि क्या आप 21 दिन में कोई नया बिजनेस तैयार कर सकते हो, क्या आप 21 दिन में किसी नई चीज, कोई नई स्किल सीख सकते हो, क्या आप 21 दिन में कुछ लोगों को हेल्प कर सकते हो उनके लाइफ में, उनके गोल्स में आगे बढ़ने में। ये चीज सोचने वाले बहुत कम है, पर बिलीव मी यही चीज है जो आपको लाइफ में आगे बढ़े। अगर आप ऐसा सोचोगे कि बहुत गलत चल रहा है, बहुत गलत हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, अब हम 21 दिन तो पड़े पड़े सड़ जाएंगे, बिलीव मी ये सिर्फ आपके दिमाग का मिथ है। यहां कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला, राइट, कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला। 21 दिन क्या आप एक साल भी घर में काट लोगे फिर भी कुछ नहीं होने वाला। हाँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि जो लोग डेली कमाने वाले हैं, डेली खाने वाले, वो बहुत ज्यादा परेशान होंगे बेचारे, लेकिन उनके लिए भी गवर्नमेंट कुछ कर रही है, हम लोग भी कुछ कर रहे हैं, और आप भी कुछ करो। अगर आपके घर के आसपास कोई लोग हैं ऐसे, उनकी मदद करो, राइट। गवर्नमेंट ने ये नहीं कहा कि आप मदद नहीं कर सकते लोगों के लिए, गवर्नमेंट ने ये नहीं कहा कि आप घर के बाहर मतलब बस घर के गेट तक नहीं निकल सकते, राइट, ये नहीं कहा गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का कहने का मतलब यह है कि आप घर में लॉकडाउन रहो, दूसरों से मिलो ना, ताकि वो बीमारी ना फैले, बस गवर्नमेंट का कहने का मतलब यही है। गाइस आप दूसरों की हेल्प करो, 21 डेज को प्रोडक्टिव डेज में कन्वर्ट करो, नई चीजें सीखो, नई चीजें दोस्तों को सिखाओ, नया बिजनेस स्टार्ट करो, कुछ भी आगे नहीं होने वाला, सब चीजें सही हो जाएंगी, पॉजिटिव रहो, राइट। 21 डेज आप ये करो, फर्स्ट कैटेगरी के लोगों में आ जाओ, सेकंड कैटेगरी में लोगों में जाके व्हाट्सएप पे गलत चीजें मत फैलाओ, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, कहीं नेट बंद हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। प्लीज गाइस स्टे पॉजिटिव और सही चीजें लोगों तक पहुंचाओ। सी नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, जय हिंद।